लेह से करीब 300 किलोमीटर दूर बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी के दौरान प्राण त्यागने वाले 23 वर्षीय जवान विनोद कुमार का पार्थिव शरीर देर शाम ददाहू पहुंचा। गिरी नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ जवान को अंतिम विदाई दी गई। लेह से करीब 300 किलोमीटर दूर बर्फीली चोटियों पर ड्यूटी के दौरान प्राण त्यागने वाले 23 वर्षीय अविवाहित जवान विनोद कुमार का पार्थिव शरीर देर शाम ददाहू पहुंचा। गिरी नदी के तट पर पूरे राजकीय सम्मान के साथ बहादुर बेटे को अंतिम विदाई दी गई। जवान को उसके छोटे भाई नितेश द्वारा मुखाग्नि दी गई और दिवंगत जवान पंच तत्वों में विलीन हो गया। इससे पहले जैसे ही सेना के जवानों द्वारा पार्थिव शरीर को ददाहू लाया गया तो पूरा क्षेत्र विनोद कुमार अमर रहे व भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। सिरमौर के इस सपूत की अंतिम विदाई में भारी संख्या में लोग पहुंचे। स्थानीय विधायक विनय कुमार भी इस मौके पर मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि दिवंगत विनोद बेहद मिलनसार था और दुख की इस घड़ी में वो परिवार के साथ हैं। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। पूरा सिरमौर जिला एक शोक की लहर में है। विनोद कुमार नामक एक जो हमारा जवान था वो आज शहीद हुए हैं और उनका शरीर को यहाँ ददाहू लाया गया। तो इस दुख की घड़ी में मैं इनके परिवार के साथ हूँ और भगवान से कामना करता हूँ कि उन्हें इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। मैं खुद भी प्रयास करूँगा और मेरा निवेदन भी है प्रदेश सरकार से कि इस परिवार के लिए कुछ ना कुछ सहायता करें, और निवेदन भी करता हूं और मैं प्रयास भी करूंगा, मुख्यमंत्री जी से भी बोलूंगा कि एक गरीब परिवार का एक लड़का था जो एकमात्र साधन था इनके आजीविका का, तो इसे इस परिवार का जरूर कोई सहायता की जाए। इस अवसर पर भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। जवान बेटे की अचानक मौत से पूरा क्षेत्र शोक में डूबा हुआ है, वहीं परिवार सदमे में है। सिटी चैनल के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।